अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th एंड वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट एक्सरसाइज 2.3। तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो हमने इसमें क्या करना है, फाइंड m, m को हमने फाइंड आउट करना है। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। स्टूडेंट्स इसको क्या पढ़ते हैं, दिस इज लैम्डा। तो हमें कहा हुआ है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि हम लोगों ने लिखा नहीं अभी, अब इसको लिखेंगे। तो उसका जो रूट्स एंड सम है, सम एंड प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर है, वो लैम्डा के बराबर है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पार्ट को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था मेरे पास क्वेश्चन पार्ट 1। तो इसमें हम लोगों ने क्या बताना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। इसमें हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर, तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा के, जो कि है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, माइनस बी में सेकंड वाली टर्म आती है विद द साइन ऑफ माइनस 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाय ए वाली टर्म है 2m प्लस 3। तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल पहले वाले पार्ट्स की तरह है। अल्फ़ा बीटा के बराबर होता है और ये क्या होता है, सी बाय ए। सी मेरे पास है 3m माइनस 10 और ए मेरे पास है 2m प्लस 3। तो स्टूडेंट्स हमें क्या कहा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या कहा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू लैम्डा। मेरे पास क्या है, फर्स्ट यूनिट क्या कहा था, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द गिवन नंबर, जो कि है लैम्डा। तो हमें क्या कहा हुआ है कि सम ऑफ रूट्स लैम्डा के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी किसके बराबर है, लैम्डा के। तो मैंने आपको बताया है कि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लैम्डा पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोगों ने खुद ही लेट किया है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो हमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों की बुक में लेट का हुआ है तो इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं। देन फ्रॉम वन इक्वेशन, तो फिर इक्वेशन, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब इन दोनों को साथ रखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर, उसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये मेरे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैं इसको यूज़ करूँगी, जो कि मेरे पास माइनस 7m, अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3 इक्वल टू 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर में सेम होता तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो मेरे पास बच जाएगा 7m प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10। तो अब मैंने क्या करना है, माइनस 7m की तरफ प्लस 3 को लाऊंगी, तो प्लस 3m को लाऊंगी तो माइनस 3m में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहीं मेरे पास माइनस 10 प्लस 5 यहाँ पे आके माइनस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा माइनस 10m इक्वल टू माइनस ये दोनों क्या हो रहे, प्लस हो रहे, और साइन किसका लगेगा, बड़ी वैल्यू का, और ये क्या आ रहा है, माइनस 15। तो अब हम क्या करेंगे, एम को सेपरेट कर लेंगे और माइनस 15 को डिवाइड करेंगे माइनस 10 से, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 3 15 और 5 2 10, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, 3/2। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गई होगी, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने ये नेक्स्ट पार्ट लिख लिया, उसमें भी हम बताना है सम ऑफ रूट्स, मेरे पास के अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो माइनस बी मेरे पास है सेकंड वाली टर्म, जो एक्स होती है वो हमारे पास माइनस बी होता है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे साइन कोई लगाने की जरूरत नहीं होगी, डिवाइडेड बाय ए मेरे पास है 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, सी डिवाइडेड बाय ए। सी के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, अगर पॉजिटिव साइन है तो हम उसको शो ना करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन, माइनस 9m माइनस 17 ब्रैकेट्स में अंदर लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर है, और इसको डिवाइड करेंगे 4 पे यानी ए वाली टर्म पे। तो मेरे पास अब क्या है, इसमें मैं सेम प्रोसेस करूँगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या आप लोगों ने लिख लेना है, तो मैं यहाँ पे नहीं शो करी, तो आप लोगों ने लिखना है स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हर लाइन आपके मैथ्स में ज़रूरी होती हैं।
अब हमने क्या बताया, अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था कि एक नंबर यानी लैम्डा के बराबर है और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट भी किसके बराबर है, लैम्डा के। तो हमने इन दोनों को देन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इन दोनों को कंबाइन करके लिखा इक्वेशन वन एंड टू। तो इक्वेशन वन एंड टू में हम लोगों ने किया कि दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा में थ्री प्लस फाइव एम था डिवाइडेड बाय फोर था, और अल्फ़ा बीटा में क्या था माइनस को बाहर रखेंगे 9m माइनस 17 डिवाइडेड बाई 4, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो उनको कैंसिल कर लेंगे। तो अब हम क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस 5m इक्वल टू माइनस 9m, ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, इसके साथ माइनस लग जाएगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 17 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है 5m माइनस 9m को इस तरफ करूँगी, मुझे m की वैल्यू इस तरफ हो तो ज़्यादा सूटेबल रहती है, तो पॉजिटिव में होनी चाहिए और राइट लेफ्ट साइड भी हो तो ज़्यादा सही रहता है। तो हम लोग यहाँ पे 17 माइनस 3 कर देंगे, प्लस 3 था माइनस 3 में कन्वर्ट हो गया, और ये मेरे पास आ जाएगा 14m और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 14। तो ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने m को सेपरेट करना है, 14 को 14 पे डिवाइड करूँगी, 14 वन ज़ा 14, तो मेरे पास m की वैल्यू निकल आई है जो कि है 1। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी समझ आ गई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भी और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में आप लोगों को जो भी कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे, एग्जांपल डिफ़िकल्ट लगे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगी एग्जाम्पल्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।